बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फूड फिटनेस एंड फन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, होममेड मास्क की रेसिपी। जैसे कि आजकल शादियों का सीज़न है, तो आप ये होममेड मास्क बनाकर अपनी स्किन को बहुत ही सफ़ेद, चमकदार और रोशन बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, तो प्लीज़ लास्ट सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, इससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। व्यूअर्स, जैसे कि आजकल शादियों का सीज़न है और हर लड़की अपनी शादी पे या अपनी फैमिली फ्रेंड्स की शादी में हसीन नज़र आना चाहती है, लेकिन लड़कियाँ केमिकल वाली क्रीमें लगाने से भी डरती हैं कि कहीं इनका चेहरा मज़ीद ख़राब ना हो जाए। इसलिए वो चाहती हैं कि कुछ ऐसा हो जो महंगा भी ना हो और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो। तो आज मैं आपको ऐसा मास्क बताऊंगी जिसको आप सिर्फ 5 मिनट लगाकर आपकी स्किन जो है वो सफ़ेद, चमकदार और रोशन हो जाएगी और आप कुछ ही दिनों में वाज़े फ़र्क महसूस करेंगी। ये सबसे पहले मैंने गंदम का आटा लिया है, व्हीट फ्लोर, ये 2 चम्मच मैंने लिया है। और 2 चम्मच ही ये मैंने योगर्ट लिया है, दही। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप 2-3 दिन का जो दही पड़ा हो आपके फ्रिज में वो आप यूज़ कर लीजिए, अगर चाहे तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1-2 चुटकी हल्दी की, 1 चम्मच इसमें एलोवेरा का जूस ऐड कर रही हूँ मैं, ये मैंने फ्रिज में महफूज किया हुआ है अपने पास। ये फाइन पेस्ट हमने बना लिया है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि इसका बहुत अच्छे से पेस्ट जो है वो तैयार हो जाए। अब मैं इसमें 1/2 लेमन जूस ऐड करूँगी। लेमन आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपकी स्किन पे एक्ने है या आपको जलन वगैरह होती है, दाने वगैरह बने हुए हैं स्किन पे, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको स्क्वीज़ कर लेंगे 1/2 लेमन को, और इसके सीड्स जो हैं वो निकाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा होममेड मास्क जो है बिल्कुल फ्री रेडी हो चुका है। अब आप इसको चेहरे या हाथों पे और बाजुओं पे लगा सकते हैं। मैं आपको हाथ पे लगाकर बताऊंगी कि आपने ये कैसे अप्लाई करना है। आपने सेम स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। अब मैं इसको हाथ की मदद से दूसरे हाथ पे लगा लूँगी।
ये देखें मैंने अप्लाई कर लिया है हाथ और बाजू पे। आपने ये 5 मिनट लगाना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना आपने। अगर ज़्यादा ड्राई हो जाए तो आप इस पे गुलाब का अर्क स्प्रे करके इसको थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और फिर आपने इसको अच्छे से हाथ की मदद से मसल कर इसको स्क्रब करके उतारना है। इस तरह आपने इसको उतारना है। ये देखें आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा, आपकी स्किन जो है चाहे वो चेहरा हो हाथ या बाजू, बहुत ही आपकी स्किन चमकदार सफ़ेद और ग्लोइंग हो जाएगी। अब हम इसको पानी से वॉश कर लेंगे रूम टेम्परेचर पानी से। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की होममेड मास्क की रेसिपी। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कुछ ही दिनों में आपकी स्किन सफ़ेद चमकदार और रोशन हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन शादियों के सीज़न में मुस्तफ़ीद हो सकें और फ्री मास्क बनाकर अपनी स्किन को ग्लो वाइट और चमकदार बना सकें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।